Hello guys, welcome to my channel or let's explore another place today. So let's go. So हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं कि रास्ता वही है लेकिन जाना अलग जगह है। ये जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है ये सिर्फ यूकेलिप्टस के पेड़ से घिरी हुई है। यूकेलिप्टस यानी सफेदा। वो जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है वो वही जगह है जहाँ पर हम कल गए थे, लेकिन आज हम वहाँ नहीं जा रहे, आज हम कहीं और जा रहे हैं। ये जो आपको पीछे पहाड़ियाँ दिख रही है ये कसौली है। आई थिंक यहाँ से सिर्फ 28 या 29 या फिर मैक्सिमम 32 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये इस तरफ जो रोड दिख रहा है ये हिमालयन एक्सप्रेसवे ही है जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में सनसेट पॉइंट से दिखाया था। मैंने अभी इस यहाँ पर एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है क्योंकि पेड़ों से ढका हुआ है, बट आपको शायद व्हीकल चलते हुए दिख रहे होंगे। ये जो ब्रिज आप मेरे सामने देख सकते हो ये हिमालयन एक्सप्रेसवे का ही रोड है। हमें इस ब्रिज के नीचे से बिल्कुल सामने जाना है, इसके इन द राइट। सो यहाँ पर एक मंदिर का भी रास्ता है जिसको शिवलोती कहा जाता है। आई थिंक यू कैन रीड दैट ऑन बोर्ड। लेकिन हम मंदिर में नहीं जा रहे, हम एंशिएंट वाटर बॉडीज के पास जा रहे हैं। वो मंदिर है, और ये उस तक जाने का रास्ता। ये जो आप सामने देख सकते हैं ये इट्स अ क्रिमेटोरियम यानी शमशान घाट। यहाँ पर आमतौर पर कई बर्ड्स आया जाया करते हैं। पीकॉक्स आर क्वाइट कॉमन इन दिस एरिया, तो लगभग रोज ही ये देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं हर रोज दिख ही जाता है, तो यहाँ पर भी रोज आया जाया करता है ये। सो एज यू कैन सी कि रास्ता काफ़ी टूटा फूटा और जंगलों से भरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा ऐसी जगहों पर जाना पसंद करता हूँ, आई मीन एडवेंचर के लिए ऐसी जगहों पर मज़ा आता है। ये रास्ता कहाँ जाता है? सो शायद आपको तो कैमरा पर नहीं सुन रहा होगा लेकिन मेरे को यहाँ से नदी की आवाज़ भी आ रही है, तो शायद जो घग्गर नदी है
नॉट एग्जैक्टली घग्गर बट कौशल्या जो कि ट्रिब्यूटरी है घग्गर नदी की, उसकी वो शायद यहाँ से करीब है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं किस तरफ जाए जा रहा हूँ, कि आज मैंने खुद ही अलग रास्ता ले लिया है। और ये रास्ता इस जगह पर खुला है, देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। लगता तो ऐसा जैसे घग्गर के ही करीब पहुँच गए, क्योंकि नदी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई गेस्ट। ये नदी है यहाँ पे, आई मीन इट्स नॉट अ पेरिनियल रिवर, लेकिन हमारे एरिया में ये 12 महीने बहती रहती है। आगे जाकर ये सूख भी जाती है, लेकिन आई मीन इफ इट्स नॉट अ मानसून सीजन। मेरा ख्याल है कि नज़ारा अमेजिंग है ये। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। लेकिन आज हम कहीं और जाएंगे, इसीलिए वापस चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर किसी और दिन आएंगे व्लॉग बनाने के लिए। सो गाइस, मैं फिर से उसी ट्रैक पे वापस आ गया हूँ। वो काफ़ी नीचे था और वापस आने के लिए काफ़ी चढ़ना पड़ा, बट एनीवेज नए नए रास्ते एक्सप्लोर करना मेरा शौक है। दिस पास इज कवर्ड विद बैम्बू ट्रीज, और यहाँ पर बैम्बू के ही पेड़ ज्यादा हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ से भी दो रास्ते बनने लग रहे हैं, और ये रास्ता मुझे पता कहाँ जाता है। यहाँ पर लोगों के खेत हैं। आई थिंक आई कैन शो यू। शायद आपको पता होगा कि टेरेस फार्मिंग इज क्वाइट कॉमन इन माउंटेनियस, आई मीन माउंटेन रीजन्स। इट्स नॉट एक्चुअली माउंटेन्स बट सेमी माउंटेनियस रीजन, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है। प्लेन भी होती है, लेकिन टेरेस फार्मिंग भी होती है, जो जो जगह पहाड़ी के करीब है वहाँ पे। सो गाइस, राइट नाउ आई एम इन अ वैली, आई मीन मेरे चारों तरफ अभी पहाड़ियाँ ही हैं। आई थिंक यू कैन सी, लेट मी शो यू। ये कौन सी चीज़ है, आई मीन इज इट ज्वार, बाजरा और समथिंग एल्स। तो अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है, सरकंडा है या क्या है, लेकिन मैंने इसमें से एक को अपने तोड़ भी लिया है। जब भी इसको हिलाता हूँ इसमें से कुछ निकलता है। आई थिंक ये पॉलिनेशन के लिए यही टेक्निक यूज़ करता है। थोड़ी देर में फेंक दूँगा, वैसे ही झाड़ू जैसा लग रहा है। ये लोगों के खेत हैं, और अब शायद ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने यहाँ पर अभी भी पानी दिया है। सो गाइस, यू कैन सी कि इन चैनल्स में पानी बह रहा है, जो यहाँ के लोग खेतों को इरीगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है और इसका ओरिजिन क्या है, आज हम एक्चुअली वहीं पे जा रहे हैं।
सो मैं आपको यहीं पे लेकर आना चाहता था। तो ये फ्रेश वाटर का सोर्स है पहाड़ों के बीच। यू कैन ऑल्सो लोकेट दिस प्लेस ऑन गूगल अर्थ और गूगल मैप। अगर आप इसे गूगल मैप पर ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मेरी ही पोस्टेड पिक्चर आपको इस जगह की फ़ोटो के रूप में देखने को मिले, क्योंकि मैंने भी इस जगह की कुछ फ़ोटोज़ गूगल मैप पर डाली। सो गाइस, ये जो आप वाटर बॉडीज़ देखने लग रहे हो, ये सारे साल चलती है और कभी भी इसमें से पानी ख़त्म नहीं होता। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आई मीन जस्ट सी, यू कैन सी कि कुछ लोगों ने लोहड़ी सेलिब्रेट करने के बाद अपना कचरा यहीं छोड़ दिया है। तो अगर ऐसा करने वाला कोई भी शख्स इसे देख रहा है तो वो, मैं उससे दरख्वास्त करूँगा कि अपना कचरा समेट ले और आगे से आइंदा कभी इस जगह पर ऐसा ना करे, क्योंकि क्यों नेचुरल ब्यूटी को ख़त्म कर रहे हो इस जगह की। बिकॉज इस कचरे को जला कर भी ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन आपने इसे यही छोड़ दिया। So I think I have been here for a long time. So let's go back. So ये है वापस जाने का रास्ता, कि हम जिस रास्ते से आए थे हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे नहीं, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। अभी तक हम एक वैली में थे और ये ऊपर को जाने वाला रास्ता सीधा हिमालयन एक्सप्रेस वे यानी कालका शिमला हाईवे की तरफ जाता है। यहाँ पर लोगों ने फेंसेस लगाई हुई हैं अपने खेतों की बाउंड्री बनाने के लिए। सो नाउ वी आर ऑन द कालका शिमला हाईवे। सो गाइस, अब हम हाईवे के उस पार आ चुके हैं और अब हमें घर वापस जाना चाहिए। ये वही सनसेट पॉइंट है जिस पे हम मेरे पिछले ब्लॉग में गए थे और ये रास्ता भी सेम है जिससे हम यहाँ पर आए थे।